अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाँआरा किचन। मैं हूँ जहाँआरा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ अफ़गानी तंदूरी चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही मज़ेदार का तंदूरी चिकन बनकर तैयार होता है। इसमें ना तो कोई ज़्यादा मसाले जाएंगे और ना ही इसे बनाने के लिए आप लोगों को बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपका अफ़गानी चिकन घर पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 किलो लिया है होल चिकन। अब मैं क्या करूँगी, इसमें कट लगा लूँगी। तो इस तरह से आपको बिल्कुल डीपली कट कर लेना है। तो जिस वक्त आप कट करें, अंदर तक इसे कट करें, जहाँ तक हड्डी इसके अंदर तक रहता ना, बिल्कुल उस तक आपको कट लगा लेना है। इस तरह से डीप कट आपको करना है। इस तरह से आपको पहले ब्रेस्ट में कर लेना है, उसके बाद लेग में करेंगे और थाई में भी कर लेंगे। जितना इसमें कट रहेगा ना, चिकन पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और मसाले भी अंदर तक जाएंगे, तो खाने में ज़्यादा मज़ेदार का भी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चिकन में अच्छी तरह से कट लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है 1/2 चम्मच नमक। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1/2 चम्मच के करीब व्हाइट पेपर। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 से 3 चम्मच के करीब व्हाइट विनेगर। आप चाहें तो 1 नींबू का रस यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसे 1/2 घंटे के लिए साइड पर रख लूँगी। व्हाइट विनेगर डालने की वजह से इसके अंदर का जो स्मेल होता है ना चिकन का, वो चला जाता है। तो अब हमें 1/2 घंटे के लिए इसे मैं रख लेती हूँ साइड पर। 1/2 घंटे के बाद मैंने यहाँ पर चटनी का जाल लिया है। अब मैं यहाँ पर 4 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल दूँगी। इसी के साथ मैंने 10 काजू और 4 हरी मिर्च को 1/2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा हुआ था। अब मैं यहाँ पर भी चटनी के जार पर डाल दूंगी। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ चीज़। तो यहाँ पर मैंने स्लाइस चीज़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर चीज़ क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीज़ डालने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है और बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट हमें कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल हमारा फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। इस तरह से आपको क्रीमी टेक्स्चर पर लाना है इसे। अब मैं इसे साइड पर रख लेती हूँ और एक खल ली हूँ, जिस पर मैं डाल देती हूँ छोटा सा जायत्री। और साथ ही हमें यहाँ पर 6 से 7 छोटी इलायची लेना है। इन दोनों का हमें एक पाउडर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कूटकर इस तरह से पाउडर कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा 1/2 घंटा हो चुका है। चिकन को हमने जो मसाले के साथ मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, विनेगर, अदरक लहसुन, नमक के साथ, तो अब मैं क्या करूँगी, चिकन को इस तरह से उठा लूँगी और इसे मैं और एक बोल पर रख लेती हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना, हमें इसे फेंक देना है। और इसी बोल पर मैं सभी मसाले ऐड करूंगी। तो बोल को मैंने पानी से साफ कर लिया अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पर 100 ग्राम के करीब हंकर डाल देती हूँ, यानी गाढ़ा सा हमें दही लेना है। और साथ ही 50 ml के करीब हमें रिफाइंड ऑयल भी डाल देना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ पेस्ट, हमने जो तैयार करके रखा हुआ था, चीज़, काजू और साथ ही हरी मिर्च, और साथ ही हमने जो क्रीम डालकर प्रेस्ट किया था ना, उसे हम यहाँ पर डाल देंगे। और साथ ही छोटी इलायची और जायत्री का भी पाउडर हम यहाँ पर डाल देंगे। अब मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच क्रश करके डाल देती हूँ काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर आपको नहीं करना है, इस तरह से क्रश करके डालना है। और साथ ही मैं यहाँ पर केसर वाला दूध भी डाल देती हूँ। 1 चुटकी केसर को मैंने भिगो कर रखा हुआ था थोड़े से दूध में 1/2 घंटे के लिए। और अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देती हूँ। कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट करके उसे हाथ से मसल कर इस तरह से पाउडर कर लिया है। तो इन सभी चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो है पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी चिकन, और चिकन को हम अच्छी तरह से मसाले के साथ इसे कोटिंग कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि आज जो है ना, मैं यहाँ पर अफगानी चिकन बना रही हूँ, बिल्कुल व्हाइट इसका मसाला तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छी तरह से अंदर बाहर करके सभी मसाले को लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से उसके लेग को मैं सुई और धागे से इसे सिल लूंगी, यानी इसे हम बंद कर लेंगे, ताकि हम जब इसे फ्राई करें, पकाएं, तो उसका जो टांग है यानी लेग है, वो खुले ना। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से इसे सिल लिया है। और अब हमें इसके अंदर लगाना है कोयले का धुआं, यानी चारकोल फ्लेवर। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी रखा है, कोयले को अच्छी तरह से गर्म करके उसके अंदर रख लिया है। थोड़ा सा मैं तेल डाल देती हूँ, आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही धुआं आएगा, हमें इसका लीड लगा लेना है बोल का, और 15 मिनट के लिए मैं इसे इसी तरह से साइड पर छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, 15 मिनट हो चुका है, धुआं अच्छी तरह से चिकन के अंदर ऑब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस कटोरी को बाहर निकाल देना है। और इस चिकन को मैं 2 घंटे के लिए फ्रीज पर रख लूँगी। जितने देर के लिए आप इसे मैरिनेट करके रखेंगे, उतना ही ये मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। तो मैं इसे सिर्फ 2 घंटे के लिए फ्रीज पर रख लेती हूँ। मसाला जो है ना, और भी गाढ़ा और सूखा हो जाएगा, अच्छी तरह से कोटिंग भी कर लेगा। तो अब मैं इस बोल को लिड से कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख लूँगी। 2 घंटा यहाँ पर हो चुका है और हमारा मैरिनेट चिकन बिल्कुल तैयार है पकने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मसाला भी बहुत ही गाढ़ा सा हो चुका है
अब हमें यहाँ पर लेना है बटर। तो यहाँ पर मैंने 25 ग्राम के करीब मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। तो कढ़ाई को मैंने हाई मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पर पहले बटर डाल देती हूँ, इसी के साथ हमें यहाँ पर तेल भी ऐड कर लेना है 4 चम्मच के करीब। जब तेल और बटर हल्का सा गर्म हो जाएगा तभी हमें यहाँ पर चिकन को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए तेल और बटर जो है हल्का सा गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ चिकन। चिकन को अब हमें क्या करना है, हाई फ्लेम पर इसे पकाना है 6 से 7 मिनट के लिए। पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ मसाला जो है लगा लूँगी चारों तरफ। 2 मिनट के लिए मैं इसी तरह से हाई फ्लेम पर छोड़ दूंगी। 2 मिनट के बाद मैं इसे पलटूंगी, उसके बाद बोल में जो मसाला बचा हुआ है उसे मैं फिर से इसके ऊपर लगा लूंगी। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुका है, अब मैं चिकन को इस तरह से पलट लेती हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत मार्क आ चुका है, आप देख ही सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार का बनता है, इसका मसाला बहुत ही खुशबूदार बनता है। तो बाकी का जितना बचा हुआ मसाला है बोल पर उसे भी मैं चिकन में लगा लूँगी। इसी तरह से स्टोव के हाई फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए हमें उलट पुलट करते हुए चिकन को पका लेना है। उसके बाद हमें फ्लेम लो करना है। लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे 30 से 35 मिनट के लिए। तो बीच बीच में इसका लीड हटाकर हमें इस तरह से चिकन को उलट पुलट करते रहना है। चिकन अभी पानी छोड़ेगा और साथ ही हमने यहाँ पर दही भी ऐड किया है तो दही भी पानी छोड़ेगा। तो हमें यहाँ पर और एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है और स्टोव के लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट के लिए हम चिकन को इस तरह से चारों तरफ पलटते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन को जो है मैं घुमाते हुए पलटते हुए पका लेती हूँ और मसाले का जो है टेक्सचर भी आप देख सकते हैं, पानी सूखने लगा है। और यहाँ पर देखिए मसाला पूरी अच्छी तरह से पक चुका है और तेल भी छोड़ने लगा है मसाले से और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है माशाल्लाह से। और यहाँ पर हमारा चिकन अच्छी तरह से पक चुका है, 35 मिनट के करीब टाइम हो गया है चिकन को पकते हुए। अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है और आप देख सकते हैं चिकन भी हड्डी जो है गोश्त को किस तरह से छोड़ने लगा है, इसे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। अब हमें क्या करना है, चिकन को इस तरह से कढ़ाई से पहले बाहर निकाल लेना है क्योंकि मैं अभी चिकन को ग्रिल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लेट में पहले चिकन को बाहर निकाल लिया है और मसाला जो कढ़ाई पर बचा हुआ है उस मसाले को भी हम पहले चिकन में लगा लेंगे। तो इस मसाले को मैं पहले चिकन में लगा लूँगी, अच्छी तरह से हमें लगा लेना है चारों तरफ क्योंकि मसाला बहुत ही मज़ेदार का बना है। जो भी मसाला ऊपर से छूटा है हमें अच्छी तरह से इस तरह से लगा लेना है चारों तरफ। तो यहाँ पर देखिए मसाले को मैंने अच्छी तरह से चिकन में चारों तरफ लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे ग्रिल करना है। पहले तो मैंने चारकोल का इसके अंदर धुआं दे दिया है कोयले का, अब मैं थोड़ा सा इसे ग्रिल कर लूँगी ताकि देखने में बिल्कुल एक तंदूर जैसा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले स्टोव के ऊपर एक मैं रख लेती हूँ स्टैंड जिस पर हम टमाटर बैंगन भूनते हैं ना, इस तरह से अगर आपके पास स्टैंड है तो आप रख सकते हैं। तो स्टोव के लो फ्लेम पर मैं चिकन को रख लूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए पलटते हुए इसको चारों तरफ से हमें ग्रिल कर लेना है इस तरह से। तो बहुत ही मज़ेदार का आपका अफ़गानी चिकन बनकर तैयार होगा और इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार का बनता है माशाल्लाह से। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसके ऊपर मार्क आ चुका है। अब मैं स्टोव को ऑफ़ कर लूँगी और लीजिए फ्रेंड्स हमारा अफ़गानी चिकन बिल्कुल बनकर तैयार है, अफ़गानी तंदूरी चिकन। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। इसे आप चाहें तो हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर किसी भी मेन कोर्स में आप चाहें तो इसे सर्व कर सकते हैं या फिर स्टार्टर के तौर पर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। जिसके साथ आपको खाना पसंद हो और जिस तरह से आपको सर्व करना हो आप कीजिए, लेकिन इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर आज की अफगानी चिकन की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते जाइए। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरी रेसिपी को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करते हुए जाइए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।